हाय फ्रेंड्स, मनीमेकर 2307 में आपको बड़े दिल से स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि राजेश एक्सपोर्ट, तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बहुत लोगों को आपको जानना चाहिए था। ऐसा नहीं कि स्टॉक ने अगर अपना लोअर लेवल को तोड़ा तो ये स्टॉक और नीचे नहीं जाएगा। ये लोअर लेवल था, इसके नीचे स्टॉक ने ट्रेड किया और लो बनता हुआ दिखाया है 486 का। 486 का लो बनता हुआ दिखाया तो बहुत लोगों का बहुत कॉमेंट आ रहा था राजेश एक्सपोर्ट को लेकर। तो ठीक है, आप लोग बाई की हो तो टारगेट दिया गया था आपका 600 का, और ये टारगेट आपका अगस्त लास्ट तक का नहीं, सितंबर लास्ट तक का था, तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए था। और आज आप देख सकते हो कि अच्छा खासा आपका स्टॉक जो है फिर से 2.35% अप मूव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अप में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है। पहला टारगेट कौन सा है? 550 का, जो ये सीधा सीधा टारगेट आ रहा है इस रेंज में, जो रेजिस्टेंस है 550। तो 550 के ऊपर जाके अगर 20 मिनट भी ट्रेडिंग करता है, 20 मिनट भी इसके ऊपर अगर जाके ट्रेडिंग करता है 550 के ऊपर, जितना जल्दी इसके ऊपर जाके ट्रेडिंग करेगा उतना जल्दी आपको 600 का टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा। ये तो सितंबर लास्ट तक का टारगेट है, बाकी आप लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो 850 भी टारगेट हिट हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। और एक महीना होल्डिंग विद इन सेप्टेम्बर के अंदर आपको एक अच्छा खासा 600 रुपीज़ का प्रॉफिट मेरे ओपिनियन में बन रहा है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेना और उनके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। पॉजिटिव डोजी कैंडल नीचे बना हुआ है और ये सबसे ज़्यादा बुलिशनेस का सिग्नल है कि यहाँ से कल और ज़्यादा ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी है। ये पूरा आपका सपोर्ट के साथ ये बताया गया, 486 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और टारगेट पहला टारगेट है 550 का और दूसरा टारगेट 550 के ऊपर जहां क्लोजिंग करेगा ट्रेडिंग देगा तो 600 रुपये का इनिशियल टारगेट आपको देखने को मिलेगा।